तो हेलो मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और न्यू अनदर ब्लॉग में आपका दोस्त स्वागत करता है। और गाइस, आज हम जा रहे हैं बगासपुर श्री श्री बाबा श्री जी के आश्रम में, मंदिर बोले आश्रम में जाने वाले हैं। और गाइस मतलब धमाल होने वाला है, क्योंकि उधर पर ना तालाब है और नौघरे स्थित हैं, तो मज़ा आने वाला है। चलो गाइस, बस वेट कर रहे हैं कि ऑटो या बस आ जाए, या तो किसी से खेल लेंगे सवारी। रास्ते तक वाहन आ रहा है, तो गाइस मैंने सोचा कि जब तक हनुमान दादा जी के दर्शन करें यार। कोई आ जाए जान पहचान का, तो भाई सवारी मतलब ये समझ के चलो, मतलब चले जाएंगे नहीं कि साथ साथ वालों के साथ, समझ रहे हो। अभी तो बस भी नहीं आ रही, हमें खुद नहीं पता बस वगैरह, हम खुद ब्लॉग बना रहे बैठे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और बताएं आप कहाँ जा रहे थे? झिरी तला। कहाँ पर? झिरी। झिरी झिरी तला, ये कहाँ पड़ता है? खेती वगैरह है क्या? बड़ा मतलब गर्मी के टाइम बहुत मुश्किल रहता होगा। अरे तो गर्मी मूंग हो गई है, उसको सिर्फ अलग बदलना है। आई हाँ, बड़ी तेज गर्मी है यार, बस के अंदर तो हाल बेहाल। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बस में। और भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? श्री राम यार सर। अच्छा, बड़ी तेज गर्मी है। और भाई साहब किसान है, इनकी खेती, इनसे पूछे भाई गर्मी में कैसा हाल होता है। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं श्री श्री बाबा श्री जी के मंदिर में, आश्रम में, आई मीन टू से आश्रम, भाई मंदिर निकल रहा बार बार मेरे उसे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन चलो भाई अब आ चुके हैं फाइनली। अब मैं ना तुम लोग को रिव्यू करवाने वाला हूँ गाइस मंदिर का, ठीक है ना। मस्त मतलब यार, यहाँ पर ना फुहारे वगैरह भी हैं और नौघर स्थित हैं और देवी जी भगवान जी के सबकी फ़ोटोज़ यहाँ पर है ना, तो मज़ा आने वाला है। चलो देखो भाई। और हाँ, फुहारों के लिए भाई फुहारे देखना है ना, चलो अंदर चलते हैं। गाइस पहले ना यहाँ से टिकट कटवानी पड़ती है, तो पहले टिकट कटवाएंगे। भाई एक चीज दिखाऊं, ये देखो। सो गाइस आप सामने होकर देख रहे होंगे भाई पानी सा भरा है, तो ये पानी मैं बताता हूँ क्यों भरा है। ये पानी इसलिए भरा है जिसमें भाई सभी लोग के, सभी भक्तजनों के, जितने भी दर्शन करने आ रहे हैं उन सबके पैर धुल जाएं और फिर वह अंदर मंदिर में जाएं। नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप? टिकट बताएंगे, टिकट अंदर जाने की 20 रुपये। और थोड़ा कोई गाइड वगैरह मिल जाएगी, जैसे कि ये है मतलब भगवान जी बताने के लिए, मतलब जैसे कि कोई एक जन चले साथ में और बताए, तो उसके 10 रुपये हम अलग से दे देंगे एक्स्ट्रा चार्जेस। कोई नहीं है ना, तो मतलब जैसे कि ये यहाँ पर है, मतलब पूरा घूमना है हमको, कुछ थोड़ा बहुत पता तो रहना चाहिए। तो गाइस हमको अकेला घूमना पड़ेगा। चलो एक टिकट काट दीजिए। ये लीजिए 20 रुपये। तो गाइस प्रवेश पत्र मिल चुका है प्रवेश करने के लिए। ओके ओके, थैंक यू।
और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर आते तो ये मिलेंगे टिकट काटने वाले, तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे शानदार चीज़ बताना चाहेंगे यहाँ की, मतलब है क्या मंदिर है? और मंदिर के बाद एक और चीज़ आप भूल रहे हो, फाउंटेन, फुवारा वगैरह। चलो तो देखते हैं गाइस, अभी सबका रिव्यू होगा धीरे धीरे, टेंशन काय को लेने का भाई। मतलब यहाँ आने का ना अच्छा लगने लगा है। देखो वारा का मतलब वो जो ना अपन अब देखो वीडियो में कहीं भी बता सकते हैं उसका रिव्यू, फुवारे का रिव्यू यहीं से देखो। पहले वहाँ अभी चलेंगे, वहाँ अपन चलते हैं, पहले अपन और जगह घूम लेते हैं भाई। मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या है, मतलब तुम भाई सीरियसली मतलब वो नहीं करने वाले, मतलब क्या सोचने नहीं वाले श्री राम भगवान जी, मतलब तुम ये सोचने नहीं वाले कि मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। इतना प्यारा मतलब यहाँ का माहौल इतना अच्छा है ना, क्या बोले। ये देखो श्री राम जी हमारे, इनके दर्शन तो बनते ही हैं यार। जय श्री राम गाइस, कमेंट में जय श्री राम लिख देना, ठीक है ना। तो गाइस ये देखो क्या ही मस्त जगह है यार। और एक भाई हमारे फोटो खींच रहे हैं, दो भाई फोटो खींच रहे हैं। और भाई साहब फिर क्या हाल चाल। ये देखिए मोर, मतलब अपन सब जगह धीरे धीरे रिव्यू करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। और हमारे प्यारे 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 महाकाल जी, इनके दर्शन तो करना पड़ता है यार, क्यों नहीं करना पड़ता। यहाँ और इनके दर्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। ये देखिए गाइस देख रहे हो, मतलब बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पर आना चाहिए यार। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर शायद क्यों भाई साहब ये गाय का ये है, तो कुछ तो फूल खिलता है यार, नहीं आ रहा, मतलब जो भी है अच्छा है। मैंने इसको देखिए वो याद है मैडम, इसके ऊपर से उछकते हैं ना। हाँ। और भाई साहब आप कहाँ से? हम नरसिंहपुर से, अपने यूट्यूब चैनल है ध्रुव हिल्स के नाम से, ऐसे वीडियो जाएगी आज देखिएगा। और घूम लिया आपने पूरा? तो चलिए घूमते हैं। और यहाँ पर और आगे चलते हैं, आइए और तो देखे भाई यहाँ की, मतलब अभी अभी अपन घूमेंगे सब जगह, ठीक है। हाँ। यहाँ की सबसे अच्छी बात बताना आपको लगी क्या, ठीक है। आपके साथ में कौन कौन है? कोई नहीं। अच्छा, और ये क्या है, जल परी? हाँ। जल की रानी या देवी जी हैं क्या कोई है? मतलब मूर्ति है, बोला हाँ वो बना दी गई। चलो यहाँ पर देखो थोड़ा गाइस, फूल तोड़ने पर 200 रुपया का दंड देना होगा। दंड नहीं क्या लगा है? हाँ डंडे तो लगा, दंड देना होगा। दंड देना होगा 200 रुपये का दंड। भाई समझ नहीं आया, लेकिन कुछ 200 रुपये का दंड, 200 रुपये देना पड़ेगा कि 200 रुपये का दंड खरीद के देना पड़ेगा? जुर्माना लिखना चाहिए था क्या भाई? बड़ी प्यारी जगह, मतलब तुम घास पे चलते हो ना सुबह सुबह, ये देखो अगर भाई घास पे चल रहे हो ना सुबह सुबह तो भाई मजा ही कुछ और है यार, सुबह सुबह घास पे चलने का सच्ची में। मतलब अभी तो खैर शाम हो रही है, लेकिन अगर सुबह जाते हो ना घास पे चलते हो तो बड़ा आनंद आ जाता है। ये देखिए इस मूर्ति के बारे में हमें नहीं पता यार, मतलब किसी ने बनाया बस। हाँ ठीक ठाक अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए पानी भर चुका है पूरा। आइए भाई साहब और आगे चलते हैं, मतलब आपका विचार कैसे बना मतलब यहाँ आने का? हम आए हैं इधर रिश्तेदार। अच्छा रिश्तेदार हैं, तो हमने कि थोड़ा घूम आए। ओ कृष्णा जी, हेलो सर जी कैसे हो? चलो कृष्णा जी से मिलवाते हैं, हमारे प्यारे से मित्र, मतलब हम इनको मित्र मानते हैं भाई, हमारे तो मित्र ही हैं। मतलब कुछ ही कहो आनंदमय जी, मतलब जीवन हो जाता है अगर कृष्णा जी साथ होते, और वो तो मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं कृष्णा जी। ये कह रहे हो गोवर्धन पर्वत उठाए हमारे प्यारे कृष्णा जी, अंदर नहीं जा सकते क्या? ताला डाला है भाई, अंदर नहीं जा सकते, ताला डाला है देखो इधर।
ये काटती है, काट काट दे, मजाक कर रहा नहीं काटियो। ये कौन है अपने, मतलब वो है ना क्या कहते वो रहते ना गांव में, क्या नाम याद नहीं आ रहा। देखो ये कृष्णा जी है, ये गोपियां हैं, और ये अपने गो चलाने वाले गोपाल को जैसे बोलते हैं ना, क्या नाम रहता है इनका, ग्वालवाल, हाँ ग्वालवाल, सॉरी भूल गया था थोड़ा। और ये मोर, कृष्णा जी के सिर पे उनकी वो पंखियाँ रहती ना मोर की, हाँ। वो मतलब सही में यार, अगर तुम यहाँ आते हो ना तो मज़ा आ जाने वाला है। और देखो पर्वत को देख रहे हो रात को, वैसे अगर ना इसमें जब नवरात्रि रहती है, जब नवदुर्गा रखी जाती है ना, हाँ। तो इसमें लाइट लगती होंगी शायद ना, लगती आई है ना, और शानदार दिखता होगा रात को तो। और उधर पर है मधुमक्खी का छत्ता, ना दिख रहा होगा, दिख रहा होगा वैसे, रुक जा जूम करने दो मुझे, जूम हो जा, हो जा जूम, हाँ हो जा जूम, दिख रहा है ना, ठीक है आ जाओ। अपन ने मतलब अभी एक ही साइड घूमा है, बताओ हाँ। अपन ने मतलब बहुत कम घूमा है अभी। और ये मतलब बगीचा वगैरह देख रहे हो, अभी तो मैंने भाई तुमको कुछ नहीं दिखाया, इधर बहुत कुछ है, मतलब पूरी वीडियो में दिखाना भाई मुश्किल ही होने वाला है। कार रखी है किसी की उधर पर, अंदर मंदिर के अंदर। और ये इधर क्या है, गाइस इधर देखिए, ये है हमारे गुरुजी जिनका ये आश्रम है, ठीक है। और इधर हाँ एक चीज और, यहाँ देखो, पहले अपन यहाँ और दर्शन करने वाले, ठीक है ना, यहाँ देखो बड़ा सा मंदिर है भाई, मस्त, आओ चलते हैं, ताला डाला है लेकिन चलो कोई बात ना, अंदर तो चलते ही हैं। जय श्री राम। हवन होता हो इधर, इधर क्या होता है भाई, चलो अब आगे चलते हैं। जिस चीज मतलब जो चीज मैं दिखाने वाला ना, जिस चीज के लिए आप लोग इतने बेकरार हो, आपकी धड़कनें बेकरारी के रास्ते पे चल रही हैं, वो चीज यहाँ पर है। लेकिन अभी दिखाते हैं, रुको जरा सवर रखा करो यार, इतना जल्दी जल्दी मत पड़ा करो, मुझे तो ये डर लग रहा मोबाइल ना गिर जाए मेरा। सो गाइस देख रहे हो, अभी अपन और आगे जाएंगे घूमने के लिए, चलो आगे चलते हैं। चलो मतलब अभी तक ना हमने आधा ही रास्ता घूमा है, मतलब अभी तक पूरा टोटल नहीं घूमा, मतलब ये मान कर 67% या 66% घूम लिया है, और अभी थोड़ा बहुत परसेंटेज और बाकी है गाइस। तो आओ चलते हैं नीचे के तरफ, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं लेकिन इस साइड चलेंगे पहले। गाइस इधर देखो, यहाँ से चलते ना आगे होगा ना रास्ता, आगे भी है तो गाइस इधर से जा सकते हैं, चलते हैं। और यहाँ पेड़ देखो भाई, पेड़ नहीं मतलब क्या ही बोले, देखो मतलब नेचर में ना बड़ी खूबसूरत सी जगह रहती है, कुछ भी कहो बड़ी खूबसूरत जगह है, ऐसा लगता है कि यहीं आसपास घर बन जाए, ऐसी जगह मस्त घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे और क्या भाई, मज़ा आने वाला है। आगे जाएंगे भाई, मुझे भाई मोबाइल घूमने में डर लग रहा है इधर, एक तो पता है इधर ना तालाब है पूरे में, तो ऐसा छूट ना जाओ भाई मोबाइल हाथ से। वाह और चुप्पी है गाइस, इधर देखो इधर होंगी क्या मछलियाँ, हाँ। बड़ा शांत शांत सा माहौल, देखो मैं तुमको फ्रंट कैमरा मतलब सामने वाला कैमरा दिखाता हूँ, ठीक। तो गाइस अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोल्डन टेम्पल को, भाई सीरियसली कोई गलती हो जाए माफ कर देना मुझे, इसका अच्छे से नाम नहीं पता, बस गोल्डन टेम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तुम लोग को पता हो तो बताना। मुझे तो इधर ना मोबाइल पकड़ने में बड़ा डर लग रहा है, मैं तुमको तालाब दिखाता हूँ, अगर वाटर प्रूफ होता ना मछली उधर, चल चलते भाई पहले उधर चलते, मछली को कैप्चर करना अपना पहला गोल होना चाहिए। गोल है गाइस, गोल है मछली कैप्चर करना, क्योंकि जो मछली रहती ना वो मछली ही रहती है। क्या ही डायलॉग बाजी चल रही है सर, समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे डायलॉग बाजी कर रहा हूँ, सर समझ रहे। अपन मकाने लाना बोले, गोबर लाना भूल गए, चलिए खरीद के लेंगे।
और भाई साहब नमस्ते। हाँ गोल्डन टेंपल के व्यू होगा फिर, गोल्डन टेंपल नहीं। अरे वो वहाँ गए थे आप घूमने? हमारा अगला गोल होने वाला है वो गोल्डन टेम्पल, उसके पास जाना, बस मोबाइल डूब ना जाए इतना ही खतरा का डर है बस। देखा मछली, देखा तुम लोगों ने मछली जिस मतलब अभी देखो अभी वो बंद हो गया यार, पावर टेन क्या कहते इसको, फुब्बारा, मतलब देसी भाषा में उसको कहते फुब्बारा। चलो आओ तुमको आगे ले चलते हैं, बड़ी खतरनाक सी जगह जहाँ पर हम खेलने वाले हैं मैन वर्सेस मैन वर्सेस वाइल्ड। क्या ची गा है भाई साहब, क्या ही बोलना। इधर ना इधर सोच रहे कि फिल्म वगैरह बनाया जाए, क्या लगेगी यार फिल्म वगैरह भी बनाते हैं थोड़ी बहुत। ये पहले बहुत ज़्यादा भरा था ना, अब तो बहुत कम हो गया। पहले कहाँ कहाँ तक भरा था? उस जीने तक ना। उस मंदिर में पानी आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, देखते हैं। थोड़ा थोड़ा भरा था जितना वो उधर अपन एंट्री करी थी। हाँ। कहाँ पर? इधर अंदर। लेकिन देखो ना अभी नहीं है। गाइस ये जो आप सामने समाधि देख रहे हैं वह है समाधि श्री श्री बाबा श्री जी की समाधि है। गाइस मछली को खिला रहे हैं हम, क्या मखानी मजाक कर रहे हैं, मखाने नहीं मुरमुरा है यार, मखाने ले आते वैसे। देखो आ सुनहरी जल्दी से आ सुनहरी, इधर 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 आओ इधर, अरे उधर नहीं जाना, इधर आके खाना है यार। सुनहरी नहीं ये आ गई दूसरी मछली, ओए इधर आओ ना, इस तरफ आओ, इधर डलाए मुरमुरा। अरे यार ये तो गद्दारी कर रही है, वो दो दीदी और एक भैया खिला रही थे उनके हाथ से खा रही, गद्दारी कर दी यार। ओए सुनहरी ये देखो, अब देखो अब आएंगी, दूर मत जा, इधर आ जा यार, गंदी बात है। डर लग रहा उनको, इनको पता फ्रेंडली होना चाहिए था, पर इतनी साल से यहाँ पर है तो फ्रेंडली होना चाहिए था है ना। वो आ गई, ओ भाई अजीब सा लग रहा है, इधर आ गई हुआ बात ये देखो, हम जानबूझ के साइड फेंक रहे जी, इस साइड आके पास थोड़ा सा ज़ूम करो ना पास, आप भी खिलाइए। अरे लड़ाई झगड़ा कर रही है लोग तो, अरे भाई सुनहरी देखो इतनी सारी है, इतने सारे मखाने खा लो, मखाने हरी रे, इसकी देखो मूछे भी हैं, मतलब मछली की भी मूछे होती है। हाँ मोबाइल पास ले जाते वो भाग देती, जूम कर दिया तो उनको लगता है कि हम पकड़ रहे हैं उनको। अरे गोल्डन आ गई,
अरे ऐसी डर रही है, अजीब से हरकतें कर रही है, कितनी प्यारी मछली है। देखो एक साथ सबको बुला रहे हैं। अब भीड़ मचेगी। अभी पानी के अंदर चला गए। अरे बाहर निकल गया। उधर देखो जानबूझ के उधर खा रही हैं। उनको डर लग रहा है। जानबूझ कहते हैं कि वीडियो नहीं बनने देंगे। ये देखो गोल्डन गोल्डन। वाह भाई वाह। पानी भी साथ में घटक लेती है। हाँ। ये देखो ये ओ भाई ओ भाई। और मूसक जी क्या चल रहा है फिर? लड्डू तो मतलब लड्डू तो नहीं चढ़ाते गणेश जी के हैं थाली में से। बचपन में बहुत वो वीडियो देखी यार, मतलब वो कार्टून आता ना मूसक जी थाली में से उठा के भग देते रहे मुंह तक और लड्डू। हाँ श्री राम। अंदर मुंह ले जाना पड़ेगा। अच्छा ये मैं सेल्फी स्टिक में 10 ग्रहों के दर्शन करना है। जय महाकाल नंदी भगवान जी। श्री मुकुंदेश्वर महादेव जी मंदिर। हमने सुना नंदी भगवान जी के कान में कुछ बोलते हैं वो भगवान जी के तक पहुंचा देते हैं। देख रहे हो मतलब क्या ही मतलब। देखो यहाँ पर खड़े हैं नंदी जी। देख रहे रिफ्लेक्शन देखो एक सेकंड रिफ्लेक्शन देखो वो देखो शंकर जी को इधर ही देख रहा है। नंदी भगवान जी देखो इधर देख रहा है। रिफ्लेक्शन देखो भाई मस्त है यार। अभी अपन को दर्शन करना है 10 ग्रहों के। ये श्री मंगल ग्रह है मंगल भगवान जी। और ये रहे श्री चंद्र ग्रह चंद्रमा भगवान जी। और ये रहे श्री शुक्र ग्रह। वैसे उसमें एस्ट्रोलॉजी में बहुत मतलब बहुत डिटेल में दिया रहता है इन सबके। और ये रहे श्री सूर्य ग्रह। जय सूर्य भगवान की। और ये रहे श्री बुध ग्रह। और ये रहे श्री केतु ग्रह। श्री केतु ग्रह हैं श्री केतु ग्रह से केतु ग्रह श्री केतु ग्रह है श्री केतु ग्रह। और ये श्री राहु ग्रह है ना। और ये श्री शनि ग्रह शनि भगवान जी। इन सो ये पृथ्वी है। और यहाँ गुरु ग्रह हाउ आर यहाँ तो अमन देखना भूल ही गए। श्री गुरु ग्रह जय गुरु भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु भगवान की। ये मंत्र सीधे मतलब सीधे ये मंत्र सीधे टारगेट वगैरह करता है तीन देवता को नहीं सॉरी आई मीन टू से भगवान तीन भगवान को कौन कौन
ब्रह्मा जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी का विष्णु जी हुआ और शंकर जी, तीन महाशक्ति हैं और तीनों एक ही। भगवान जी बोलते हैं ना, सब मैं हूँ और मैं कुछ भी नहीं। देखा भगवत गीता? गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, और कल कहीं और न्यू जगह जाएंगे। बस हम लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिसमें यार थोड़ा ताकत मिले, खाने से तो मिलता ही थोड़ा प्रोटीन। तुम भी भाई अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करो, सब्सक्राइब की बटन को दबाओ जिससे ताकत मिले भाई, समझ में आया ना।